दस गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया, देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी चौथी गारंटी। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा, उनको पक्का राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिलता संस्कार के समय। छठी गारंटी किसानों के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे, सभी फसलों के पूरे दाम MSP के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। सातवीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, जो दिल्ली वासियों का कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। इसके लिए हमने बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की है, हमारे मंत्रियों ने, हमारी टीम ने बैठ के, सब लोगों ने बैठ के, कि एक साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके। ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे, दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार, हमने जो वार किया है, उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। और दसवीं और आखिरी गारंटी, व्यापारियों के लिए, GST को PMLA से बाहर किया जाएगा, GST का सरलीकरण किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वह व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज्यादा परमिशंस की जरूरत नहीं होगी। और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है, जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है। हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, 400 हारने जा रहे हैं। हम्मा हम्मा रो रो करी बीजेपी इस खरब, अगली बार भाजपा तड़ी पर, उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।